आचार्य प्रशांति प्रणाम, और मेरे चैनल के ऑडियंस, मेरे सब्सक्राइबर नमस्कार। आचार्य प्रशांत जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है और मांसाहार का विरोध करते हैं, इसलिए कि मांस खाने से हमारे चित्त पर, हमारी प्रवृत्ति पर शायद बुरा असर पड़ता है और इसमें जीव की हत्या भी होती है। यह पूछे जाने पर कि पेड़ पौधे भी सजीव हैं, फिर हम पेड़ पौधों को कैसे खा सकते हैं, उनके फल फूल तने या जड़ को कैसे खा सकते हैं, आखिर वह भी सजीव हैं। इस बात को प्रशांत जी पूरी विनम्रता से स्वीकारते भी हैं कि पेड़ पौधे भी सजीव हैं, पर साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि पेड़ पौधों में रिसेप्टर नहीं होते हैं, सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं, स्नायुमंडल या नर्वस सिस्टम नहीं होता है, जिससे उनको दर्द का एहसास नहीं होता। अब मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जो एग होता है, अंडा, वो हमको दो तरह से मिलता है, एक फर्टिलाइज एग जिसे हम निषेचित अंडा कहते हैं, दूसरा अनफर्टिलाइज एग जिसे हम अनिषेचित अंडा कहते हैं। मार्केट में दुकानों पे जो अंडा उपलब्ध होता है वो फर्टिलाइज नहीं होता है, निषेचित नहीं होता है, मतलब वह किसी प्राणी का भ्रूण भी नहीं होता है, वह महज एक एग है, एक सेल है। यह अलग बात है कि सब बड़ा सेल है, पर वह कुल मिलाकर एकमात्र एक सेल ही है, उसमें कोई स्नायु मंडल या नर्वस सिस्टम नहीं होता। तो फिर हम यह भी नहीं मान सकते, यह भी नहीं कह सकते कि अंडे को किसी तरह का दर्द होता होगा, तकलीफ होता होगा। ऐसे में हम अंडा को शाकाहार माने या फिर मांसाहार माने। अगर यह वीडियो आप तक पहुँच पा रही है प्रशांत जी, तो कृपा करके बताने का कष्ट करें, और क्या हम अंडा खाते हुए अपने आप को शाकाहारी कह सकते हैं?